So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by An Academy. So please An Academy learning app को download करें. यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारी awesome videos और lectures. अब हम बात करते हैं An Academy पे. यहाँ पे आपको provide होंगी daily live classes, structured course, live test और unlimited access बहुत सारी awesome videos का. An Academy प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर जो आपके ड्रीम यूपीएससी को पूरा करने के लिए, आपके एम यूपीएससी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं. दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड GS. तो अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में. तो अगर आप 24 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन, तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 64,000. बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड में इस्तेमाल करते हैं, आलोक वाईटी कोड जो कि मेरा ऑसम कोड है, तो आपको ये पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का. इसे आप अलग अलग तरीके से 12 month में भी खरीद सकते हैं, बट आप बेसिकली 24th में खरीदिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके. तो An Academy अब आपके लिए लेके आया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर यूपीएससी सीएससी. तो क्या होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में? तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड होगा? यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा एक मेंटोर. तो ये मेंटोर आपके लिए क्या करेगा? आपको पूरी पढ़ाई को अच्छे से करवाएगा, समझाएगा, बताएगा और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेगा ताकि जो साल आप चीज़ों को समझने में बर्बाद करें उससे आप बच पाएं. तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? पर्सनल कोच, मोटिवेशन गाइडेंस, स्टडी ट्रैकर, डेली रिपोर्ट्स और प्रोफाइल रिव्यूज होंगे आपके. उसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे स्टडी बूस्टर सेशंस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद इवैल्यूएशन, टारगेटेड करंट अफेयर, डेली क्विजेस और हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स भी. सो दिस इज ऑल अबाउट यू गेट इन योर स्टडी बूस्टर सेशन. ये सब आपको मिलेगा आपके स्टडी बूस्टर सेशन में. जैसे अपने एग्जाम को जानिए, ऑप्शनल के फियर को दूर कीजिए, GS को समझिए, करंट अफेयर को जानिए और उसके बाद यहाँ पे आप डैप भरने से लेके एसे भरने से लेके हर चीज आपके इंटरव्यू तक की यहाँ पे क्या की जाएगी? संभाली जाएगी, An Academy द्वारा देखी जाएगी, भाली जाएगी. तो अब हम देखते हैं कि प्लस पे आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड है. तो प्लस की फैसिलिटीज आपकी यहां तक हैं, यानी आपको लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा. बट आइकॉनिक में आपको इसके आगे चीजें मिलेंगी, यानी क्या क्या प्रोवाइड होगा आपको? पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो अगर आप 24 month का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आइकॉनिक की आपको 99,000 रुपीज. तो ये कितने का? आप इसे नो कॉस्ट EMI पे 12 और 24 महीने की नो कॉस्ट EMI पे भी आप इसे ले सकते हैं. तो बट अगर आप इस पर अलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा 89,100 रुपीज का. सेम उसी तरीके से अगर आप 12 month के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये आपको पड़ेगा 64,000 रुपीज का. ठीक है, बट अगर आप इस पर आलोक वाईटी सेम कोड को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज का और ये भी आपको मिलेगा नो कॉस्ट EMI पे. आप इसे ले सकते हैं 12 और 24 महीने के लिए और यहाँ पे आप तैयारी करेंगे PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों की विद आपका टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स. सो लेट्स क्रैक इट. सो आज हम करेंगे 6 और 7 अगस्त के सारे करंट अफेयर के MTQ. तो क्लास की स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया कोट के साथ. अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा कहा गया कि आई नो नॉट व्हाट विद व्हाट वेपन वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट बट वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद स्टिक एंड स्टोन. तो यहां पे इनका कहना यह था कि अगर देखिए तीसरे वर्ल्ड वॉर किससे होगा ये तो मुझे नहीं पता, वो उस टाइम भाई बहुत पहले की बात थी. बट हाँ, मुझे ये कंफर्म पता है कि चौथा वर्ल्ड वॉर कैसे होगा, वो होगा लाठी डंडे से. ठीक है, क्योंकि सब कुछ आप पूरा खत्म कर चुके होंगे. ठीक है, तो इसका आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी आपके न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और इन सब चीज़ों की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की बात करें, डिसआर्ममेंट की बात करें और बाकी इन सब चीज़ों की बात करें, तो आप इसका बड़े बढ़िया तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. और अभी रिसेंटली देखिए इसके ऊपर पूरे आर्टिकल लगातार आए थे 2-3 दिन से. ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी देखे होंगे. तो यहीं पे है टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी सीरियसली. ठीक है, तो हर कंट्री ने अपना अपना क्या किया है, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम डेवलप कर लिया है. ठीक है, 1945 में जब उसके बाद पहला जब न्यूक्लियर अटैक किया था US ने हिरोशिमा नागासाकी पे. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो बच गए थे उन्हें क्या कहा गया? हिबकुशास. तो जो न्यूक्लियर अटैक में बचे थे यहाँ पे
उन्हें क्या कहा गया, हिप कुशास कहा गया, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं कि इसके कारण एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ और बाकी दुनिया भर की चीज़ों की दिक्कत है, वो पूरी की पूरी इसमें दी हुई है। बट यहाँ पे बेसिक फंडा हमको ये समझना है कि देखिए दोनों कंट्री डरती है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से, कारण ये है कि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल किया था गांधी जी के बारे में, ठीक है, कि गांधी जी ने जब ये अटैक हुआ था, यूएस ने किया था जापान के ऊपर, तो वो कुछ बोले ही नहीं थे, वो मौन हो गए थे। ठीक है, तो ये वाला भी एक यहाँ पे आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ें बता सकते हैं, और हो सकता है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंस में इस बार पूछा भी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे 2-4 दिन के आर्टिकल से, तो आप बहुत बढ़िया अपना आंसर बना सकते हैं पुरानी इस कोड को साथ में इस्तेमाल करके कोड को। ठीक है, चलिए, या आप एंड करने के लिए बड़ा बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए, सो अब हम आते हैं अपने डेली करंट अफेयर एमसीक्यू के क्वेश्चंस पे। तो पहला है ड्रैगन कैप्सूल, आपको समटाइम्स सीन इन न्यूज देखने को मिलता है, ये किसने डेवलप किया है। चलिए, स्पेसएक्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो या जाक्सा, तो किसने किया इसे, इसे किया है स्पेसएक्स ने। किसने, स्पेसएक्स ने किया है। ठीक है, तो कार्बन, ये क्रियू ड्रैगन जो है ड्रैगन 2 का ही पार्ट है। ठीक है, स्पेसएक्स ने इसको डेवलप किया है, और अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि ये वापस आके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको बताना गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन कौन सी रिवर्स गिरती हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछा था मैंने। अब ये पार्ट किसका है, ये डेमो 2 मिशन जो है नासा का और स्पेसएक्स का, उसका ये पार्ट है। ठीक है, और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आने जाने का जुगाड़ बनाया जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। हैमर मिसाइल जो है इंडिया किससे एक्वायर कर रहा है, हैमर मिसाइल इंडिया किससे एक्वायर कर रहा है, रशिया से, ये आई हटा दीजिएगा, ये ऊपर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रशिया, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी, तो किससे, फ्रांस से एक्वायर कर रहा है हैमर मिसाइल। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, तो ये गलत है, यहाँ पे डी आंसर इसका नहीं है। ठीक है, वो आप टेंशन मत लीजिएगा, दैट इज सी आंसर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो हैमर मिसाइल किससे ले रहा है, आप ये ले रहा है, इंडिया ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है। ठीक है, क्योंकि जो रफाल हमने लिए हैं उसी के साथ ही हैमर मिसाइल भी आ रही है। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट है क्या है ये देख लेते हैं। ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये है क्या नाम की, एयर टू लैंड मिसाइल है। ठीक है, तो इसमें और भी जो मिसाइल है वो भी इनके साथ लगी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड, ये भी अभी न्यूज में रहा है केमिकल। ठीक है, तो साइंस टेक का भी क्वेश्चन आ जाता है, डिजास्टर का भी क्वेश्चन आ जाता है, ये दोनों में ये सामने है आपके। तो पहला कह रहा है अमोनियम नाइट्रेट जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर है। दूसरा कह रहा है रिसेंटली देयर वाज एन अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट इन लेस्बियन सिटी, लेबनीज सिटी पेरेट। ठीक है, और इसने बहुत लोगों को इंजर किया। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो अपने आप ही बर्न हो जाता है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, अपने आप बर्न नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी 1 और 2, यानी ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड का मोस्ट यूज क्या है, फर्टिलाइजर है, अपने आप बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न ऑन, ऑक्सीजन जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो अभी क्या है, लेबनीज सिटी बैरेट में इसका बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, और इसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है एक्सप्लोजन होने पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत मैसिव अमाउंट। चलिए नेक्स्ट, किस सेक्शन के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेंटर जो है शटडाउन कर सकता है इंडस्ट्रियल यूनिट को, अगर वो किसी तरीके का बहुत ज़्यादा ग्रॉस कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं लॉ, एनवायरनमेंट लॉ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से सेक्शन आपको पूछा तो नहीं जाएगा, बट हाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं मेंस वेंस में लिखने के लिए, थोड़ा भोपाल के लिए। ठीक है, चलिए, और वैसे ये लगातार न्यूज़ में है तो इसलिए पूछा भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछा जाए। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, सेक्शन 5। ठीक है, तो सेक्शन 5 जो है एनजीटी ने देखिए अभी ये कमर्शियल यूनिट्स जो क्या नाम है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही है उससे रिलेटेड बात की है, और कहा है कि भाई पूरा डाटा सामने रखा जाए, हर चीज़ सामने रखी जाए। ठीक है, कि ये अपनी मर्जी से पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल ना कर सकें। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा करेगा तो सेक्शन 5 जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंदर क्या किया जाएगा, ऐसी जितनी भी कंपनीज होंगी उन्हें हम बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट एक्लॉजियन एनवायरनमेंट कहा जाता है होलोकिबॉन, ठीक है, बंदर से, ठीक है। अब बंदर को बंदर बोलेंगे तो बंदर बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। चलो तो पहला कह रहा है ये नेटिव होते हैं बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ चाइना के, ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना, एकदम सही है। टेलेस जो है ये इंडिया के ओनली ऐप हैं, ये भी सही है। और वेस्टर्न होलोक और होलोगिबॉन और ईस्टर्न होलोगिबॉन दोनों एंडेंजर्ड है, नहीं दोनों एंडेंजर्ड नहीं है IUCN के लिस्ट में, ये गलत है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इन लोकेशंस पे मिलते हैं, ठीक है, और ओनली ऐप है इंडिया में, एप है। और उसके बाद क्या है ये भैया, जो सबसे बड़ी बात है, जो आपका वेस्टर्न वाला है ये एंडेंजर्ड है और जो आपका ईस्टर्न वाला है ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी एंड एक्सपर्ट प्रमोशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड आपको क्या है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए तो पहला कह रहा है एम टू अचीव 1,75,000 करोड़ इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ 35 करोड़ टर्नओवर और इन एरोस्पेस डिफेंस बाय 2025। यहां पे 2025 है तो ये गलत है और दूसरा वाला सही है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे बनाया है, ठीक है। चलिए पॉलिसी 2020 कब तक अचीव करने की बात कर रहे हैं, 2025 से तक, और ये सारे इसके कुछ टारगेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट है मेघनाघाट कंबाइंड साइक्लो पावर प्लांट कहां पे, मध्य महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या नन ऑफ द अबव। चलिए तो मेघनाघाट कहां पे है, ये है आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये है बांग्लादेश में, कहां पे है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिलायंस और वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे फाइनेंस करके यहां पे इसे बना रहे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। चलिए नेक्स्ट, इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट जो है वो सर्वेलेंस करता है फाइनेंशियल मार्केट का, जिसे रेगुलेट कौन करता है, वो किसके अंडर रेगुलेट होते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किसके अंडर रेगुलेट होती है पूरी की पूरी, ये आपको बतानी है, सेबी के अंडर, आरबीआई के अंडर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर या ऑल ऑफ द अबव। चलिए सो करेक्ट आंसर विल बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका आरबीआई, क्या है आरबीआई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो इसको छोड़िए, ये अलग चीज आ गई है यहाँ पे थोड़ा सा, इसे टेंशन मत लो, स्लाइड आगे के पीछे हुई है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं वही है, सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी आपका ए, क्या है करेक्ट आंसर विल बी, सॉरी बी, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे बी है, क्या है बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए कौन पूरा का पूरा देखिए इंडिया में कौन देखता है, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट इसके अंडर है, आरबीआई के अंडर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इब्राहिम अलकाजी वॉज नोन एज, क्या किसके तौर पे इन्हें माना जाता था, और इससे पहले भी हम लोग जोशना भट्ट के बारे में कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन थिएटर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग सर्वाइविंग डायरेक्टर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन थिएटर इन्हें कहा जाता है, रिसेंटली भी पास हो गए, ठीक है, तो ये पूरी चीजें इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सर क्रीक से रिलेटेड है और थ्वाइन डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है, पढ़ लीजिए कि सर क्रीक इज अ 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड, एकदम सही बात है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
ट्वैंग डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू द रिवर बाउंड्रीज बिटवीन टू स्टेट, एकदम सही बात है, बोथ सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी किया है, उसने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरकरी, जूनागढ़ सबको अपने मैप में दिखा दिया है। ठीक है, तो भैया ठीक है, मैप बनाना, घर की खेती है, जो मन करे करो। ठीक है, तो वही है, अभी ये जितनी भी लोकेशन उन्होंने डाली है, ठीक है, तो इंडिया ने भी अपना मैप जारी किया, तो इन्होंने भी किया, तो वही सरक्रिक के बारे में जान लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में कहाँ पे किस साइड है, रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है, इसे बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद ध्यान रखते हैं कुछ चीज़ें कि चलिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो तो मालूम ही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये जो सरक्रिक बह रहा है यहाँ पे कहते हैं कि वो पाकिस्तान कहता है ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा है, बट इंडिया कहता है जो मिडल पार्ट है, जो पानी, जो भी नेविगेशन है उसके बीच वाला जो पार्ट है, ये आपका डिवीजन माना जाएगा सरक्रिक का। और ऐसे थालवैंग डॉक्ट्राइन जो है इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ की, वो भी यही कहती है कि अगर कोई भी रिवर जो है वो क्या है, अगर नेविगेबल है तो उसका जो बीच वाला पार्ट होगा यहाँ से उसका बंटवारा होगा दो स्टेट के बीच में। ठीक है, चलिए, तो जूनागढ़ भैया हमें मालूम है गुजरात में है, इसके ऊपर भी उसने क्या किया है, अपना हक बताया कि ये भी मेरा एरिया है, और प्लेबिसाइट हुआ था 1948 में, फिर ये इंडिया में जोड़ दिया गया था। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप सरक्रिक, देखिए तो इसकी बॉर्डर देख रहे हैं आप, एकदम पानी के बीच में से जा रहा है ये, देखिए एकदम पानी के बीच में से। यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये रही ग्रीन लाइन भी इससे रिलेटेड, ये रही, ठीक है, पूरी की पूरी, तो आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये रहा कोरी क्रीक आपका कच्छ इंडिया, ये रहा सिंध, ठीक है, ये खाजर क्रीक, ठीक, ये आप देख सकते हैं जूनागढ़, ये रहा, ठीक, चलिए, ये रहा सर क्रीक आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफ्लेमेशन से क्या रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इन इंडिया डिफ्लेमेशन कैन बी क्रिमिनल ऑफेंस ओनली, कैन बी अ क्रिमिनल ऑफेंस ओनली, नॉट सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि केवल क्रिमिनल हो सकता है, सिविल रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ पे एंड डाल देते हैं, एंड नॉट सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो ये गलत है, सिविल और क्रिमिनल दो दो हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है क्रिमिनल डिफ्लेमेशन को सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड। हाँ, एकदम सही बात है, तो पूरी तरीके से इसे क्या किया है, डेफिमेशन को पूरी तरीके से बताया है। और एक इंडिविजुअल जो है उसका जो फंडामेंटल राइट है, लिव टू डिग्निटी कैन नॉट बी रूट स्लोली, एकदम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा हुआ है, तो बी यानी सेकंड एंड थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, एकदम सही बात है। तो अभी देखिए क्या है, यहाँ पे एक तृणमूल कांग्रेस की एमपी है, ठीक है, महुआ मोइत्रा, तो उनके खिलाफ डिफेमेशन केस किया है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एंड जी न्यूज ने, तो उसी से रिलेटेड ये पूरी की पूरी चीज है। हमें बस इतना जानना है कि भैया ये सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों में हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद किसी के बारे में कुछ भी गलत वलत कहा जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही हो, तो उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा चीज है। सेक्शन 499 इससे डील करता है, सेक्शन 500 इससे डील करता है, जो सजा देता है कितने साल की, 2 साल की, ठीक है, और फाइन या फिर दोनों। ठीक है, चलिए, अब बात ये करते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि भैया देखिए ये जो हम बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं, ठीक है, एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन कैन नॉट बी रूट स्लोली बिकॉज अनदर इंडिविजुअल कैन हैव द फ्रीडम। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या कहा, यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जयललिता केस में ये कहा कि सफोगेट डेमोक्रेसी एंड द कोर्ट सेड पब्लिक फिगर मस्ट फेस क्रिटिसिज्म, कि अगर पब्लिक फिगर हैं आप तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, उसके लिए आप डिफेमेशन नहीं लगा सकते। चलिए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ब्रूस, आल्सो रेफर्ड एज रेंगेस, ये कहाँ पे फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वेस्टर्न स्टेट में, या सदर्न स्टेट में, या नॉर्दर्न स्टेट में। ओह, ये चलिए नॉर्थ ईस्टर्न है, चलो अच्छी बात है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फैले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ पे, त्रिपुरा में अभी इनको ने सेटलमेंट कर रखा है अपना, और सेटलमेंट की बात चल रही है पूरी की पूरी। और ये कहाँ पे, मिजोरम में, सिंस 1997 में एथनिक वायलेंस हुआ था, तो उसके बाद छोड़ के ये लोग मैक्सिमम त्रिपुरा साइड में चले गए थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट है, और इन्होंने कहा ये जहाँ पे आप हमें लैंड दे रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, अभी ये जो है ये मिलते हैं आपको त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम और मणिपुर में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, फ्लोरोसिस जो है वो किस वजह से होती है, आपको ये बताना है क्या क्या हो सकता है रिजल्ट इन फ्लोरोसिस, अगर होगा तो आपको क्या क्या हो सकता है।
सो डेंटल हो सकता है, स्केलेटल हो सकता है, नॉन स्केलेटल हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, ये आपको बताना है। तो अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए पानी में जो आप पीते हैं तो उसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बड़े बढ़िया तरीके से आते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव आपको हो सकता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मेथड निकाला है जिससे वो आराम से नेकेड आई से आप चेक कर सकते हैं कि फ्लोरीन कितना है किसी भी पानी के अंदर, ठीक है। तो वही है, फ्लोरेसिस के कारण क्या क्या हो जाएगा आपको, डेंटल फ्लोरेसिस, स्केलेटल फ्लोरेसिस और नॉन स्केलेटल फ्लोरेसिस हो सकता है। WHO ने फ्लोरीन की लिमिट कितनी रखी है, 1.5 mg/L, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। इंडिया वॉज एट बॉटम ऑफ द वाटर क्वालिटी इंडेक्स एट 120 above 122 कंट्रीज, एकदम सही है। इंडिया अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ टोटल एनुअल ग्लोबल वाटर एक्सट्रैक्टेड विद एक्सट्रैक्शन लेवल स्टेडली इंक्रीजिंग, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है वाटर एंड रिलेटेड स्टैटिक्स 2019 जो रिपोर्ट है इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज करती है, नहीं CWC करता है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी CWA इसे रिलीज करता है, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। चलिए तो वही पूरी बात चल रही है कि जो इंडिया इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है उसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट है, ठीक है। ये सारे आप पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, वही सारे पॉइंट हमने लिए हैं। चलिए सो अब हम देखते हैं कि अभी 2-3 दिन में जितने भी हमारे न्यूज के आर्टिकल जितने निकल के आए, तो पहली बात UN ये कह रहा है कि जो पेंडेमिक है इसकी वजह से क्या होगा, 24 मिलियन जो स्टूडेंट है वो आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये एक बात कह रहा है, तो बहुत ज्यादा एक खतरनाक दिक्कत ये दिख रही है। दूसरी बात, ये गांधी का साइलेंस जो आपको पहला आर्टिकल जो हमने आज कोर्ट में इस्तेमाल किया इसी से रिलेटेड है, आप इसे बड़ा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि गांधी का क्या इसके ऊपर रिएक्शन था पूरा का पूरा जो ये हुआ, ठीक है। तो चलिए, गांधी जी इसमें साइलेंस रहते पूरी तरीके से, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि हम कुछ करते इससे बचने के लिए। फिर उसके बाद ये आप पूरा देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटा है उसे, एक साल हो गया, तो उसके बाद क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें हुआ देखिए, पैराडाइज लॉस्ट, इंटरनेट खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया, इकोनॉमिक शॉक में चलेगी, जॉबलेसनेस बढ़ गई, लॉकडाउन के इंपैक्ट हुए और फैटलिटीज ड्रॉप हुई, लोकल थ्रेट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखने को मिल रहा है भैया कि देखिए एग्रीकल्चर में जो इफेक्ट होने वाले थे कोविड के वो खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। ट्रंप भाई साहब ने यह कहा है कि H1N1 वीजा जो है वो वाले को हम जॉब नहीं देंगे फेडरल जॉब्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट लगातार न्यूज में चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड यह है कि सेंटर ने रिस्ट्रेन कर दिया फाइनल नोटिफिकेशन पब्लिश करने से, ठीक है, और अभी से आगे बाद में पब्लिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ बवाल इसके ऊपर चल रहा है। और हमने देखा था अभी फ्राइडे फॉर फ्यूचर के ऊपर भी इन्होंने अच्छा खासा केस ठोक दिया था। तो अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, देखिए वही वाली जो न्यूज हमने पूरी की थी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा जो LG पॉलीमर है उसे बंद करने के डिसीजन को बिल्कुल नहीं सोच रहे, क्योंकि भैया वो सारे के सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थी उसे कंप्लाई कर रही थी, उसके बाद हादसा हुआ है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा है उसे चैलेंज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, क्योंकि ये ब्रीच करता है 50% सीलिंग को जो इंदिरा साहनी जजमेंट में कही गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो उन्होंने भी इसकी पिटीशन डाली, उन्होंने कहा जो ये 103 का जो आपका जो ये अमेंडमेंट है जिसके थ्रू 10% मिल रहा है, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये 50% को ब्रीच कर रहा है जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये बात की है। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 15 और 16 में आर्टिकल 15.5 और 16.6 को जोड़ा गया था, ठीक है, और स्टेट को एम्पावर किया गया था कि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को क्या दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी सारी बातें थी और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखने जा रही है जो 5 जजेस की होगी, ठीक है। चलिए तो ये ब्रूस से वाला पूरा का पूरा पॉइंट था, ये पूरा हिंदू का आर्टिकल जो हमने करके देख लिया है। चलिए नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलक्की राइस जो है इसकी सीडलिंग को देखा जा रहा है कि किसी तरीके से सुंदरबन में यूज किया जाए। तो ये पोलक्की राइस किसमें इस्तेमाल होती है, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट है, किससे, पैडी की प्लांट है, पैडी का प्लांटेशन है, ठीक है, तो और से GI टैग मिला हुआ है केरला में, ठीक है। तो अगर इसे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए सुंदरबन में, जो अम्फन तूफान की वजह से यहाँ पे बहुत सारा कौन सा पानी, सी वाटर आ चुका है, समुद्र का पानी आ चुका है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, तो इसका बीज का अगर इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा तो पैदावार अच्छी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वाइटिल्ला 11 जो वैरायटी है किसकी है,
ये इसी की एक वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, ठीक है। चलिए, तो यही पूरा लेबनान में जो था पूरा एक्सप्लोजन हुआ, देख सकते हैं आप लोग कितना भयंकर यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, पूरी सिटी आधी से ज्यादा तबाह हो गई। ये देख सकते हैं इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहा, ये पूरा एरिया में कुछ नहीं बचा, सब उड़ गया, लोगों का सारा सामान वामान सब टूट गया, सब कुछ बाहर आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना बुरा हाल तरीके से हुआ, बहुत भयंकर ये धमाका हुआ था। ये देख सकते हैं पूरे स्ट्रीट पे किस तरीके से पूरे हो रखा है, ठीक है, पूरा सामान से लेके हर चीज़ टंकी उनकी गिर गई है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब टूट गई हैं, बहुत भयंकर धमाका रहा। तो ये लेबनान आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी पे है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रिलेक्जेंस स्टडी पे मिले हैं, ठीक है, आप वहाँ पे देखिए। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लेबनान किन किन कंट्री से लगा हुआ है, सीरिया और आपका क्या नाम है इसराइल से, ठीक है। चलिए, फिर मैक्रॉन जो है क्या नाम है, इन्होंने कहा है कि हम भाई इनकी मदद करेंगे, ठीक है, फ्रांस ने कहा है क्योंकि ये फ्रेंच की पुरानी टेरिटरी रह चुका है, उसकी कॉलोनी था। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे ये है मध्य एमपी की, एमपी जो जीआई टैग की मांग कर रहा है बासमती राइस के लिए, तो पंजाब के सीएम साहब ने कहा है कि ये ना मिले, क्योंकि देखिए जो अभी मिला हुआ है ये जीआई टैग जिन स्टेट को, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और क्या नाम है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये ट्रेडिशनल तरीके से बोया जाता था, एमपी में ये ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बोया जाता था, तो इसलिए एमपी को नहीं देना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने पीएम को लेटर भी लिखा है, ठीक है। तो दिस इज माई कोड आलोक वाईटी, जिसे प्लीज आप इस्तेमाल करें फॉर योर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन करके आप क्या कर पा सकते हैं, सारी भी पीडीएफ और बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको क्लासेस की मिलेगी, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप प्लस ले सकते हैं, ठीक है, आप आइकॉनिक ले सकते हैं। आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर प्रोवाइड होगा और आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार किया जाएगा, और प्लस में आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। सो आपका प्री मेंस टेस्ट सीरीज की चीज़ें आपकी यहाँ पे अच्छे से कवर होंगी, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।